मतलब है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही। वहां की स्थिति मैंने देखी, आप खुद भी चल के देख सकते हैं, वहां पे खतरा फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, इसको रोकने की अभियान छेड़ा है। मैंने एक शुरुआत करी है और चंपारण ही नहीं बिहार के हर कोने से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जैसे युवा, आपके जैसे युवा आगे आएंगे, बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमजद हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी 24 न्यूज। आज हमारे सामने एक खास मेहमान है, ये बिहार के पर्यटन बचाओ के संस्थापक अभिनव अभिषेक जी। अभिनव अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये एक खास तरह का एक मुहिम लेकर चले हैं कि पर्यटन जो धरोहर है उनके बचाव के लिए। अभिनव अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पर्यटन बचाओ अभियान जो आपने शुरू किया है, इससे क्या पब्लिक को फायदा हो सकता है या फिर क्या सरकार की नजर इस पर नहीं पड़ रही है जो आप इसका जिम्मा लेकर चल रहे हैं, इसके पीछे क्या बात हो सकती है? सबसे पहले अमित हुसैन जी, आपका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। और आपने एक साथ मुझसे तीन प्रश्न पूछ लिए हैं, तो मेरा विचार है कि एक एक करके एक प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपने जो मुझसे किया कि इससे बिहार की जनता को क्या फायदा होगा। आप जानते हैं, जब से बिहार और झारखंड दो अलग अलग राज्य बने हैं, उसके बाद से बिहार के पास कोई खनिज संपदा नहीं है। बिहार में यहां से अन्य राज्यों में पलायन हो रहा है, लगातार पलायन हो रहा है। सरकार चाहे जितना भी दावा कर ले कि पलायन नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं अपने आसपास पलायन हो रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। तो हमें यह ढूंढना होगा कि हमारे पास ऐसी वो कौन सी चीज है जिसका प्रयोग करके हम अपने यहाँ समर्थ हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर अपना काम कर सकते हैं। तो चूंकि पत्रकारिता से मैं जुड़ा हुआ रहा हूं, आपको पहले से पता है, तो वैसी स्थिति में जगह जगह घूमने के बाद मैंने इस बात को महसूस किया कि हमारे यहाँ जो, चूंकि भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बिहार की धरती इतनी समृद्ध है कि इसको देखने और जानने के लिए पूरे विश्व में जिज्ञासा बनी हुई है, उत्सुकता बनी हुई है। और इस जिज्ञासा और उत्सुकता अगर विश्व के पटल पर हम सही ढंग से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं, तो निस्संदेह बिहार में पर्यटकों का आना जो अभी तक अगर 10 है तो 100 में बदल सकता है। तो इसीलिए हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। अब एक मजबूरी यह है, सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। देखिए, सरकार के ऊपर ब्लेम करना मैं उचित नहीं समझता हूं, इसलिए कि सरकार ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, मैं स्वयं कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं कि उन जगहों पर आप जाके देखिए जो हमारे धरोहर है, स्थल है, अगर उनकी व्यवस्था ठीक है, आपके हमारे घूमने लायक है, लोगों के आने जाने लायक है, तो इसका अर्थ है कि सरकार ध्यान दे रही है जी। और अगर उसकी व्यवस्था में कहीं कुछ कमी है, धूमिल हो गई है या उसकी व्यवस्था इस लायक नहीं है कि लोग वहां पहुंच सके, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब तो ये निर्णय लेने का काम, आप जैसे अभी हम जहां बैठे हुए, यहां से काफी नजदीक है नंदनगढ़, वहां जाके देखिए, वहां की स्थिति मैंने देखी, आप खुद भी चल के देख सकते हैं, वहां पे खतरा फैलाया जा रहा है लोगों के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, इसको रोकने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले पब्लिक को जागरूक करना बिल्कुल बेहतर होगा। पब्लिक के फायदे की चीज है तो पब्लिक को ही जागना होगा। मैंने एक अभियान छेड़ा है, मैंने एक शुरुआत करी है और चंपारण ही नहीं बिहार के हर कोने से मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जैसे युवा, आपके जैसे युवा आगे आएंगे, बढ़ेंगे और अपने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए वो खुद एक वीडियो बनाएंगे, कुछ काम करेंगे, अलग अलग ढंग से अपनी प्रस्तुति देंगे और निस्संदेह हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पब्लिक का जागरूक होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ये करने की आवश्यकता है, जो भी है, जहां भी है, जिस तरीके से हो सके, सोशल मीडिया के जरिए हो सके या फिर उसे ऐसे जागरूकता अभियान के तहत हो सके, आप धरोहर को। इसी क्रम में मैं आपको एक जानकारी,
अभी सुगौली संधि, आपको पता है कि भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से सुगौली संधि का क्या महत्व है, अति महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक वहां के भी जो ऐतिहासिक स्थल है उनके संरक्षण के लिए जागरूकता नहीं आ पाई है समाज में, उसको लेके आगामी 2 दिसंबर 2019 को हमने वहां पर एक महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, ताकि सभी लोग चंपारण से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए सभी लोग वहां पहुंचे। उसकी जो परिस्थिति, जिन परिस्थितियों में अभी वहां की चीजें हैं, उनसे रूबरू हो सके, उनकी ऐतिहासिकता को, प्रमाणिकता को समझे, जाने और समझने और जानने के बाद उसके विकास के लिए हम काम करें। तो इसी को रेखांकित करने के लिए, दृष्टिमान करने के लिए हमने 2 दिसंबर 2019 के लिए सुगौली संधि महोत्सव का आयोजन किया। और इसमें मैं यहां पर आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को और आपको ही मैं आमंत्रित करता हूं कि आप वहां आए और देखें कि जिस सुगौली को अभी तक आपने कागजों पर लिखा हुआ पाया है, वास्तविक स्थिति में सुगौली की क्या महिमा है, वह क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह के आयोजन हर जगह होने चाहिए, यह हमारे समाज के लिए बेहतर है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे सिटी 24 न्यूज को दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपका